जुगनू क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या ये पकड़ लिया पकड़ लिया। ये यहीं रिवर साइड भी पानी धोने गया, हाथ धोने गया ना मिलेगा ना। तो भाई टेंट वेंट ले लिया खतरनाक तरीके से और अब आ रही है नींद। नींद तो नहीं आ रही, हाँ मीठी मीठी आंखों में लग रही है। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग मंदिर से निकले, पूरा रास्ता ट्रैवल किया, मतलब सोचा था जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगा नहीं, अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके आए थे। तो रास्ते में एक रिवर साइड कैंप मिला, मैंने बताया था जैसा, तो भी कैंप ले लिया हम लोगों ने। तो अभी क्या है कि टेंट तो मैं कल ही दिखाऊंगा क्योंकि रात हो गई है, क्या व्यू है बाहर का। तो सब लोग वैसे भी सब सो गए हैं तो मैं ही अभी जाग रहा हूँ। मैं एक्चुअली रिवर साइड पर बैठा हुआ था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब करो, ये देखो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब भाई। सोते हुए लोग बोल रहे हैं अब तो कर लो यार सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और डू बेल आइकन दबा दो सब लोग, ये देखो दबा दो उसको, सब जाग रहे हैं। दबा दो भैया दबा दो अब इतना बोल रहे हैं नींद में तो बोल रहे हैं भाई अब तो दबा दो ठीक है आपको मिलते हैं कल, यहीं करते हैं आज का व्लॉग एंड। शेयर कर दो सबके साथ, अरे बाप रे भाई अब शेयर भी कर दो सबके साथ, शेयर कर दो, फैला दो, आग लगा दो, आग लगा दो कतई ठीक है। 1 2 3 ओके रिपोर्ट। हाँ तो क्या करना है, 1 2 3 ओके रिपोर्ट। तो मिलते हैं आपको कल, बाय 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 बाय। Hey guys, good morning. Welcome to my YouTube channel लखनवी Vlogger. तो अगर आपने पहले के episodes नहीं देखे हैं तो go and check it out. अभी हैं हम लोग कोट द्वार से 10 किलोमीटर ऊपर रिवर साइड कैंप पे, और इधर पूरी रिवर है और साइड में टेंट्स बने हुए हैं। तो लास्ट व्लॉग में दिखाया था मैंने कि आपको हम लोगों ने टेंट ले लिया है, तो रात में इतना अच्छा व्यू आता नहीं इस वजह से रात में कुछ नहीं दिखाया मैंने। तो देखिए चारों तरफ पहाड़ है, तो यहाँ पे छोटी छोटी मछली भी हैं इस पानी में, बहुत ज़्यादा ज़्यादा छोटी हैं। और रिवर साइड कैंपिंग का ना मज़ा ही कुछ और है, इधर पे सब लोग चिल कर रहे हैं और ये एक बफ्फी इधर चिल कर रही। हम लोग की बाइक के ऊपर पार्क है यहाँ पे, तो इतना अच्छा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है सर? अरे बस पैसा वसूल, पैसा वसूल है भैया एक नंबर, मतलब क्या ही बताएं। तो भाई साहब इतना तगड़ा नजारा, कुछ हाँ, कहने को नहीं पूछो नहीं। तो कभी भी आना ना तो कोशिश करना कि कैंप में रुको, कैंप का भी अलग मतलब है ठीक है। ये रिसोर्ट या कॉटेजेस वगैरह मत लेना, मेरा तो प्रेफर ये रहेगा कैंप लो, कैंप में जो मजा है वो कहीं नहीं है। क्योंकि आप कॉटेजेस तो आपको नॉर्मल जगह कहीं पे भी मिल जाएंगे, रिवर साइड जो कैंपिंग करने का मजा है ना नेक्स्ट लेवल। हम लोग यहाँ पे रात में 11:30-12 यहाँ पर बैठ के गाने गा रहे थे, हाँ 11:30-12 तक गाने गा रहे थे, 2 बजे या 3 बजे हम लोग सोए हैं यहाँ पे। तो
अल्टीमेट व्यू। अभी 7:30 बज रहा है और अभी उठे हुए हैं। सब लोग पहले उठ गए तो मैं सो रहा था। चलने का मन नहीं कर रहा है, जाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन अब छोड़ो, देखते हैं मन करेगा जाएंगे नहीं तो रुक जाएंगे। देखते हैं अभी। तो दिखाते हैं आपको टेंट का व्यू कैसा है। हमारा टेंट हो गई। अरे कितना नहीं हुई, परफेक्ट भैया, इतना वो नहीं है, इतना वो नहीं है। और यह है वॉशरूम, चैन लगी हुई है, चैन बंद करिए आप, दरवाजा बंद। वॉशरूम, सिंक, नहाओ, यहाँ नहाओ, बाहर नहाओ, सब बराबर पूरा सेट। एक कूलर, कूलर की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी कल रात में, तो यहाँ खिड़की वगैरह भी रहती हैं, जाली वगैरह भी है, मच्छर वच्छर नहीं आएंगे। वैसे मच्छर है भी नहीं यहाँ पे, यहाँ पे भी जाली है। यहाँ पे एक खिड़की, दो खिड़की, तीन खिड़की, चार, पाँच, तो पाँच पाँच खिड़की है। लाइट भी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, 24/7। तो अल्टीमेट यार, मतलब बहुत है, मज़ा आ गया। बच्चे खेल रहे हैं पानी में, बढ़िया। करो, चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ ही पहाड़ है। हम बीच में, अभी आपको एक बार ऊपर जाके एक बार व्यू दिखाएंगे आपको, नीचे का व्यू कैसा आता है, एक नंबर। और मैं हमेशा टेंट ही भूल जाता हूँ, मेरे को काउंट करना पड़ता है, 1, 2, 3, 4। कौन, नहीं ये वाला नहीं है, सॉरी ये वाला है, भूल गया। हाँ ये वाला अपना। तो ऑल सेट, सब कुछ सामान ले लिया, सब कुछ बैग पैक। चलें? चलो भाई। हाँ, बिल्कुल निकलते हैं और फिर से तहलका मचाते हैं रोड पे एक बार। तहलके मचाने आए रोड पे, सब देखते हैं भाई कहाँ से आ रहे हैं। फिर जो भी देखता है UP 32, भैया कहाँ से चले आ रहे हो, तो फिर उसको बताना पड़ता है यार, लखनऊ से है, नवाबों का शहर। बोलते भाई बाइक से ही हमने, हाँ भाई बाइक से ही। तो मज़ा आया भाई, एक नंबर यार, इतना मज़ा आया ना नहाने में, लिटरली क्या बात है। मतलब निकले सुबह जाके लेट गए पानी में, क्या बात, क्या बात। तो दिखाते पीछे कुछ नज़ारा, सारे आते हुए सभी लोग। एक काम करना, keep on breathing.
और ये खड़ी हमारी बाइक। थोड़ा सा वार्म अप कर लेते तब तक जब तक सब आते हैं। यहाँ से देखिए कुछ व्यू, अल्टीमेट व्यू है जब तक ये लोग आते हैं तब तक। बॉडी नहीं, बाइक को वार्म अप कर लेते हैं। ओके, थार दिख रही है शायद मेरे को, वो देखिए कहाँ पे चला रहे हैं। क्या बात है, आगे उतारने की जगह है क्या? थार चला रहा है बंदा वहाँ पे। ओके, वहाँ थार वाला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फंस गई है थार, थार फंस गई है वहाँ पे। मौज ले रहे थे ज़िंदगी की और ये फंस गई है गाड़ी वहाँ पे। गौरव भाई थार फंस गई है, इतनी देर से टहला रहे थे, थार फंस गई। नई वाली पुरानी वाली? पुरानी वाली है। देखो पानी फेंक रही, पानी फेंक रही है। आई ऊपर चलते, ऊपर से देखते दिख रहा है, दिखाते हैं। तो एक बार यहाँ से व्यू देख लीजिए, क्या ब्यूटीफुल प्लेस है। एक बार रुकना तो बनता है यहाँ पे, रिकमेंड करूँगा मैं। और ये स्मोक दे चुकी है लड़का, इंजन ख़राब हो चुका है, वाइट स्मोक दे दी है गाड़ी ने, इंजन ने वाइट स्मोक दे दिया है। इसका यही मतलब है कि बस अब हाइड्रोलैक हो गया है, पानी इंजन के अंदर चला जा चुका है। अब चुपचाप रहना चाहिए कि कोई और गाड़ी ला के टो करके निकालें। चलिए हम लोग निकलते हैं, हम लोग को हो रहा लेट। हाँ तो एडवेंचर उतना ही करिए जितना जायज़ हो, ज़्यादा एडवेंचर चक्कर मत फंसिए वरना तो ज़िंदगी एडवेंचर ले लेगी आपके। तो आप तफरी लेने आए होंगे यहाँ पे और ज़िंदगी ने आपकी तफरी ले ली। अब कल इतना मज़ा आया बाइक चलाने में, इतना मज़ा आया कुछ कहने को नहीं। हम लोग 45, 40, 50 ऐसा उतार के लाए हैं बाइक को, मतलब बहुत अल्टीमेट। ट्रैफिक भी नहीं था, रोड भी अच्छी मिली, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं। हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी ज़्यादा मिली, मतलब मान लीजिए कि 70% रोड अच्छी थी। तो अभी क्या कि कोट द्वार से जो नज़ीराबाद तक की जो पैच है वो थोड़ा सा ख़राब है, ज़्यादा बबलिंग है उसमें, गड्ढे हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर थोड़ा सा लगता है, वहाँ पर आपको स्लो चलानी पड़ती है। और उस रूट पे थोड़ा सा ट्रैफिक भी ज़्यादा है। तो जब आ रहा था तो बैटरी लो होने की वजह से गोप्रो में ज़्यादा मैं रिकॉर्ड किया नहीं, तो जो आपका बॉर्डर वगैरह था वो मैं दिखा नहीं पाया। बॉर्डर पे चेकिंग हो रही थी लेकिन हम लोग को नहीं होगा क्योंकि हम लोग चारों लोग हेलमेट पहने हुए हैं, सेफ्टी गियर्स है, सारी चीज़ें हैं, गाड़ी भी कम्प्लीट है, कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं लगी हैं। मैंने कस्टम एग्जॉस्ट तो हटा ही दिया था, नॉर्मल एग्जॉस्ट लगा हुआ बाइक में। और पिलियन जब होता है साथ में तो हल्का सा लीनिंग में भी डर रहता है कि आपका जो टायर है वो भी ज़्यादा
प्रेशर में होता है, तो अगर कहीं पे हल्का सा भी बम मिलता है आपको तो लीनिंग में प्रॉब्लम आती है। सोलो राइडिंग में आप कैसे भी चलाते हैं कोई दिक्कत नहीं होता। और यह है पहाड़ों की रानी। ओ भाई साहब, पावर ब्रेक तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन भाई पावर ब्रेक लगा रहा है बंदा। तो यहाँ पे थार, इसुजू इतनी तगड़ी तगड़ी देखने को मिल जाती हैं, टायर 6-6 इंची बाहर और इतनी टायर प्रोफाइल ज़्यादा होती है, कुछ कहने को नहीं। और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह, एक तो मैंने कार देखी थी उसमें पूरा सस्पेंशन सेटअप ही नया लगा हुआ था, कस्टमाइज एकदम, इतनी ऊंची कार थी वो, मतलब क्या ही बताऊँ यार। रास्ता तो एक नंबर है, कुछ भी कहो। UK07 वाले भैया मेरे को रास्ता दो, वांट टू ओवरटेक यू। पहला ओवरटेक, दूसरा ओवरटेक, बस आगे आ रही है गाड़ी, तो हो जाइए अंदर। धन्यवाद, कष्ट के लिए खेद है। और ये जीतू भाई की गाड़ी जा रही है, जीतू भाई जहाँ कहीं भी हो भी भैया गाड़ी पर ध्यान रखें, बहुत तेज चला रहा है बंदा, बेलम बेल मचा है एकदम। हाथी का यहाँ पे साइन बना हुआ है, लेकिन हाथी दिखे नहीं एक भी। क्लियर रोड, एक गाड़ी आती हुई, तो जल्दी से कर लेते हैं अंदर। इंडिकेटर का यूज़ करें जिससे पीछे वाले लोगों को पता चलता रहे कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए साइन मिला हम लोग को कि नहीं आगे निकलना है, उन्होंने देखा और साइड भी प्रॉपर इंडिकेशन दिया उन्होंने आगे से देख के कि आप निकल सकते हैं। मतलब इतने अच्छे ड्राइवर हैं आप समझिए। और कहीं कहीं क्या होता है कि भाई तुमको निकलने ही नहीं देंगे, भले रोड खाली होगी भाई तुमको निकलने नहीं देंगे, हम फालतू में इधर उधर कट मारेंगे, बीच में चलाएंगे, साइड नहीं देंगे। यहाँ देखो भाई, पहले बता रहा कि अभी मत निकलो, जब मैं देख ले रहा बोला रोड क्लियर है भाई अब निकलो। और ये आ गया है पुल, देखिए नदी क्या ब्यूटीफुल लग रही है, अरे नदी है, सब नहा रहे हैं चौकस, इधर भी एकदम अल्टीमेट पानी है, एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर। पैच क्लियर थोड़ा सा, सामने से गाड़ी आ रही है तो वो चढ़ती हुई, मतलब जो चढ़ रहा होता है पहाड़ चढ़ा रहा होता है, वो क्या होता है कि उसका RPM हाई होता है, या कह सकते हैं कि वो ज़्यादा प्रेशर में होती है और उसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। तो अगर वो आप उसके सामने फंदा देते हैं या ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं तो उसको अपना मोशन लूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए लिखा है कि चढ़ती हुई गाड़ी को रास्ता दें, क्योंकि आप तो उतर रहे हैं तो आपको तो सिर्फ ब्रेक यूज़ करने, इंजन तो इतना ज़्यादा पावर नहीं देना। आप हल्का सा भी छुएंगे, नहीं भी छुएंगे तो भी आप आगे चलते ही रहेंगे। तो ये व्यू देखिए, तो ये होते शार्प टर्न्स, कतई यू टर्न वाले। तो अभी शायद कोटद्वार पहुंच गए हैं हम लोग। और ये देखिए ब्रेकर के बगल से ही कूदेगी गाड़ी, ये खासियत है भाई, कितना भी ज़रा सा भी कटा होगा ना, बस टायर निकलने वाला, वो बस वहीं से निकलेगी। भाई आगे डलवाएं कि यहीं डलवाएं? हमारे में तो अभी आधी टंकी है, अभी तो मतलब 3 दिखा रही है, तो मान लिए 2 तो हैं ही सॉलिड, तो मतलब 5 लीटर तो होगा, है ना?
चलिए ठीक है, मैं नहीं डला रहा अभी, उस बाइक में रिक्वायरमेंट है तो उसमें डलवा लेते हैं। तो कोटद्वार में रोड पे ही 3 पेट्रोल पंप हम लोग को मिले, यहाँ से फुल करा लीजिए और फिर आप जा सकते हैं लेंस डाउन तक। हम लोग तो मैं तो मुरादाबाद से डलवाया था, उसके बाद मैंने नहीं डलवाया और मैं वापस भी आ रहा हूँ। अब यहाँ से नज़ीराबाद बचा है 25 किलोमीटर, मेरठ 141, बिजनौर 61। और भैया हमारे फुल जोश में, यहाँ पे बॉर्डर है, ये यहाँ लगी लाइन, रोक रहे हैं सबको। रोक लिया है मुझे,